सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो कोई भी सब्सटेंस होता है उसका सेपरेशन क्यों जरूरी है? जैसे सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस होता है? हाँ ठीक है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज, हाँ पदार्थ। जैसे लाइक अब सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है, मेटल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं सब्सटेंस में, मेटल हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, मिक्सचर्स हो सकते हैं, मिक्सचर्स हो सकते हैं। हाँ तो एयर हो सकता है, सैंड हो सकता है, ये मिल्क हो सकता है, ठीक है। ये सारी जो चीजें क्या है, मिल्क है और वाटर है, ये सब चीजें क्या है, सब्सटेंस है, ठीक ठीक है। इनको क्या है, क्या है, सब्सटेंस है। तो आप देखो ना, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम लोग नहीं चाहते हैं लेकिन सब्सटेंस कुछ मिक्स हो जाते हैं और उनका हमें जरूरत नहीं है तो उनको सेपरेशन करना पड़ता है। नहीं अलंकृता, जैसे देखो हम लोग चावल खाते हो, आप राइस होता है, राइस देखे हो आपका, मान लीजिए यहाँ पे राइस का वो है, कोई बोरी है या जो भी कुछ आपका प्लेट है, जो भी कुछ है, तो अब यहाँ पे राइस है मान लीजिए, तो पूरा ये राइस का होता है, उसमें क्या होता है, कहीं कहीं उसमें क्या होता है, कंकड़ पत्थर भी छोटे छोटे आ जाते हैं, कि नहीं, कोई पार्टिकल आ जाएगा कंकड़ पत्थर, तो अब वो खाने के लिए, अब चावल में उसको अब खाओगे नहीं, ना खाओगे उसको क्या करना पड़ता है, निकाल के बाहर करना पड़ता है, फेंका जाता है ना, निकाला जाता है ना, उसको सेपरेशन किया जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सेपरेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, सेपरेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन करना है। तो अभी तो जो चावल को आप हाथ से बीन के बाहर निकालते हो तो क्या क्या बोलते हैं उसको, हैंड पिकिंग, क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो सबको अलग अलग से हम पढ़ाएंगे, तो अब इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन हम लोग पहले ये जानते हैं कि जो ये सब्सटेंस होते हैं, कैसे कैसे सब्सटेंस होते हैं और क्या क्या तरीका है उनको सेपरेशन का, ठीक है। हाँ तो वाई सेपरेशन इज नेसेसरी, देखो वाई वाई सेपरेशन, वाई सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, सेपरेशन की क्यों जरूरी, सेपरेशन क्यों जरूरी है, सब लोग बताइए, अपना दिमाग लगाइए और बताइए। तो पहले क्यों जरूरी है, टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल, जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे चावल में सैंड हटा दिया जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, सैंड फ्रॉम राइस होता है ना, बालू उसमें से निकाला जाता है या कोई कंकड़ पत्थर निकाला जाता है। फिर दूसरा क्या यूज हो सकता है, टू ऑबटेन डिजायरेबल मटेरियल, डिजायरेबल मटेरियल, डिजायरेबल मटेरियल। जैसे देखो कुछ ऐसा भी तो होता है कि हम लोग डिजायरेबल मटेरियल निकालते हैं, पूरा मिक्सअप रहता है, जो खराब चीज और अच्छा चीज रहता है, तो उसमें से अच्छा वाला हम लोग निकाल लेते हैं, निकालते हैं कि नहीं। हाँ फॉर एग्जाम्पल बताओ कोई चीज, एक एग्जाम्पल ऐसा चीज बताओ। कोई एक एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे अच्छा चीज निकाल लेते हैं खराब चीज में से। जैसे देखो ऑब्टेनिंग ऑब्टेनिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, नहीं क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से क्या निकाल लिया जाता है, क्रीम निकाल लिया जाता है कि नहीं, अच्छा वाला, फिर उसका घी बनाया जाता है, बनाया जाता है कि नहीं। दूध को क्या किया जाता है, ऐसे नॉर्मल लोग बोलते हैं कि दूध को पेराई होती है, जैसे दूध को एक मशीन होती है, उस चर्निंग होता है, फिर उसमें से क्या निकल जाता है, उसका जो क्रीम होता है निकल जाता है, और दूध का जो अब पानी वाला मतलब होता है, जिसमें कम वाला रहता है, तो अब बाजार में नहीं देखती हो, ये जो आता है ना एक दूध आता है, स्किम्ड मिल्क जो आता है, क्या हुआ रहता है,
केवल उसका सफेद कलर ही रहता है, उसका जितना ज्यादा क्रीम रहता है सारा निकाल लिया गया रहता है। तो ये भी है कि और निकाल लिए, ये वाला भी चीज है। और दूसरा तरीका क्या है, रिमूविंग, जैसे ये हार्मफुल तो यही हो गया, रिमूविंग हार्मफुल हो गया, अनवांटेड एक ही बात हो गया। तो ये दो ही मेन तरीके हैं जिनके वजह से वो किया जाता है। ठीक है, टू ऑब्टेन ये भी कर सकते हो, टू ऑब्टेन प्योर प्योर मटेरियल। जैसे देखो अभी गोल्ड है ना, गोल्ड आप सोना होता है, तो गोल्ड तो ऐसा होता नहीं कि ऐसे ही गोल्ड मिल जाता है। तो क्या हो जाता है, जैसे गोल्ड फ्रॉम क्या होता है, रॉक्स होती है, जो चट्टाने होती हैं उसी में ना सोना का, जैसे मान लो इतनी बड़ी चट्टान रहेगी ना तो बालू जैसा, तो उसमें क्या रहता है, जैसे गोल्ड है ना, तो गोल्ड का आप ऐसे क्या होता है, गोल्ड का ऐसे इतनी बड़ी चट्टान है, तो गोल्ड का ना ऐसे रस्सी रस्सी जैसे उसमें गोल्ड ऐसे रहेगा, उसमें फैला रहेगा ऐसे चट्टान में, पतला पतला जैसे पाउडर जैसे। तो क्या होता है ना, अब इसको क्या किया जाता है, पूरा पाउडर को किया जाता है, इसको क्रश किया जाता है, फिर इसमें मैग्नेटिक मिक्सर पत्र लगा के जो भी सारे तरीके हैं उसको मेल्ट करके गोल्ड को क्या अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, समझ रहे हो, ये सारे तरीके हैं। फिर एक यहाँ पे क्या है, फॉर क्लीनिंग ऑफ फूड, हम लोग फूड की क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं कि नहीं, फॉर क्लीनिंग ऑफ फूड, फॉर क्लीनिंग ऑफ फूड। तो अब देखो, अब फूड की क्लीनिंग क्यों जरूरी है आप बताइए, फूड की क्लीनिंग क्यों जरूरी है। जैसे आप कोई पूछे तो भाई क्लीन फूड, देखो यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का सेपरेशन नहीं हो रहा है, किसका सेपरेशन हो रहा है, सब्सटेंसेस का सेपरेशन हो रहा है। लेकिन हम लोग फूड का क्लीन क्यों करते हैं, वो भी बात आपने कार्तिक सही बोला हुआ है, तो वो अलग से चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है, जो फूड क्या है यहाँ पे क्यों जरूरी है, फूड की क्लीनिंग क्यों जरूरी है, टू प्रिवेंट फूड स्पॉयलर्स फ्रॉम माइक्रोब्स। जैसे इन्होंने बताया, चलो इन्हीं का बात कर दे रहे हैं, टू प्रिवेंट फूड स्पॉयलर्स फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब मैंने बताया था ना, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस बैक्टीरिया फंगस ये सब चीज। माइक्रोब्स का मतलब क्या, वायरस बैक्टीरिया फिर फंजाई अलगा ये सारी चीजें, पैथोजन से ये सारी जो चीजें होंगे, इनको अलग करने के लिए। तो इसका दूसरा क्या है, टू मेक फूड मोर न्यूट्रिशियस फॉर हेल्थ, टू मेक फूड मोर न्यूट्रिशियस, या ऐसे बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव फॉर हेल्थ। जैसे मान लो अभी मिल्क है, तो मिल्क में से आप क्रीम निकाल लेते हो, तो वो जो क्रीम होता है क्या होता है, मोर न्यूट्रिटिव होता है कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, टू कीप ह्यूमन बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज, ये भी लिख सकते हो। टेस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है, इन के वजह है जिनकी वजह से हम लोग खाना को क्या करते हैं, क्लीन हम करते हैं। ये वाला बात जनरल है, आपको सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, आर्यन आज आया हुआ है, अनिकेत अवैध काजल, ठीक है अनिकेत आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो मेथड्स ऑफ क्लीनिंग ऑफ फूड, क्या क्या तरीके यूज किया जाता है फूड के क्लीनिंग के लिए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आसानी वाला तरीका है क्या है, जो पहला वाला जो तरीका है उसका क्या नाम है, सिंपल वाला है, हैंड पिकिंग होती है। हैंड पिकिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ
अनवांटेड मटेरियल बाय हैंड, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ, क्या कर सकते हो यहाँ पे, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनवांटेड मटेरियल मटेरियल बाय हैंड, हाथ से कुछ चीजों का सेपरेशन पॉसिबल होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल क्या है इसमें, सेपरेशन आज रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम राइस, रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम राइस, हम लोग निकालते हैं ना राइस में छोटे छोटे जो बालू के कण आ जाते हैं, बालू मतलब छोटा वाला नहीं, जो जिसको इकड़ी बोलते हो, बोलते हो कि नहीं, चावल में से निकलते हैं हाथ से, देखते हो मम्मी ने खाना बनाने से पहले क्या करती है, चावल को प्लेट में लेके उसको चावल की बिनाई करती है, करती है कि नहीं, उसको क्या बोलते हो, हाँ हैंड पीकिंग, उसको क्या बोलते हो, हैंड पीकिंग, हाँ उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो हाथ से तो सभी से, अब जैसे एक सूप देखे हो आप लोग ना, सूप देखे हो उसमें, हाँ तो ऐसे ही होता है, उसी में रख के वो हाथ से निकाला जाता है। एक दूसरा क्या तरीका है, सीविंग, एक तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, सीविंग। तो सीविंग का मतलब क्या होता है, चालन देखे हो ना, चालन होती है ना, तो उसे चाल दिया जाता है, झरना होता है ना उसको झाड़ दिया जाता है, क्या होता है, मेथड इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। तो सीविंग किस के लिए यूज होता है, यूज्ड यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज। आप ये बताओ झरना में झारते हो ना, इसको क्या करना है, इसको झारना, झरना झरना, तो झरना में आप झाड़ते हो तो सबके उसमें दो जिसको सेपरेट करना है, कम से कम उसमें क्या कंडीशन है कि उसमें दोनों का साइज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ना, क्योंकि तो अगर सेम साइज रहेगा तो क्या होगा, एक को झाड़ोगे तो दूसरा भी गिर जाएगा, तो फायदा क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा ना। जैसे देखो, जैसे क्या है, मटर है, मटर है, मटर में क्या मिल गया है, सरसों मिल गया है, तो मटर का दाना कितना बड़ा होता है, पी का साइज इतना बड़ा बड़ा होता है कि नहीं, और मस्टर्ड का कितना होता है, इतना छोटा, ये मस्टर्ड है, ये मस्टर्ड है, तो क्या करोगे, दोनों मिक्स हुआ ना, एक झरना लो लोगे, उसमें बड़ा वाला, बहुत सारे साइज के बाजार में झरना मिलता है, बड़ा वाला छेद वाला, छोटा वाला छेद वाला, मीडियम, तो दोनों के क्या कर दिया जाता है, ऐसे झरना किया जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, झरने में ऐसे, झरने में क्या होता है, ऐसे छेद होते हैं, ऐसे झरने में क्या होता है, ऐसे छेद होते हैं, जब झड़ाई होता है तो इस छेद में से जो छोटा छोटा जो मटर रहेगा, जो मस्टर्ड रहेगा, क्या हो जाएगा, मस्टर्ड क्या हो जाएगा, इसमें से फॉल डाउन हो जाएगा, हो जाएगी कि नहीं, छोटा छोटा छेद है तो जो मस्टर्ड ग्रेन रहेगा क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, और जो यहाँ पे पी का जो शेप है, पी का जो है मटर है, वो क्या रहेगा, ऊपर ही रुका रह जाएगा, यहाँ पे सारा मटर ऐसे रह जाएगा ऊपर, ऐसे रहता है ये वाला, यहाँ पे ऐसे रहता है झरना, आपने देखा होगा वैसे, ये वाला ऐसे सॉलिड रहता है, ऐसे गोला टाइप का रहता है, ऐसे इसमें फंस जाता है, तो इसमें पूरा यहाँ पे मटर पूरा क्या रहेगा, ऊपर रह जाएगा, मटर ऐसे फंस के ऊपर रह जाएगा, तो क्या बोलते हैं इसको, सीविंग बोलते हैं, समझ गए ना। हाँ फिर दूसरा क्या है, एक थ्रेसिंग एक तरीका है, थ्रेसर आप लोग देखा हो ना, हार्वेस्ट थ्रेसर देखा हो कि नहीं आपने, हाँ तो एक तीसरा क्या तरीका है, थ्रेसिंग है, उसको क्या बोलते हैं, उसको थ्रेसिंग, थ्रेसिंग, इसीलिए जो थ्रेसिंग करने के लिए जो मशीन यूज होते हैं क्या होता है उसका नाम क्या है, थ्रेसर, उसका नाम, हाँ तो थ्रेसर से क्या हो जाता है, जैसे मान लो गेहूं का जो फसल होता है कि नहीं, गेहूं काटाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें से भूसा होता है ना खरपतवार को हटाने के लिए, टू क्या इसको बोलो, टू रिमूव हे मतलब क्या होता है, पुआल होता है या उसका जो खरपतवार होता है ना, फ्रॉम ग्रेन्स, तो जैसे क्या होता है थ्रेसर पे, अब क्या जाते, जैसे बड़ा, जैसे मान लो अभी आपका गेहूं का है, तो गेहूं का इतना बड़ा पौधा होता है ना, यहाँ पे छोटा सा बाली लगा होता है गेहूं का, ऐसे पत्ता है, ऐसे पूरा उसका रहता है, हाँ इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे थ्रेसिंग होगा इसका, यहाँ पे थ्रेसिंग होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रेसर मशीन है, मान लो ये फोटो थ्रेसर मशीन है, तो थ्रेसिंग होता है क्या हो जाएगा, भूसा दूर चला जाएगा, क्या निकल जाएगा, भूसा, यहाँ पे एक उसमें छेद रहता है, भूसा दूर चला जाएगा, अनाज उसके पास रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेन्स आ जाएंगी, ठीक है,
इधर ग्रेन्स आ जाएगा, इसका भूसा इधर दूर चला जाएगा, भूसा रहता है कि नहीं भूसा दूर, और यहाँ पे क्या आता है अनाज आ जाता है। तो ये क्या होता है, इसको थ्रेसर बोलते हैं, और यहाँ पे ये पूरा, तो ये वाला एक तरीका है थ्रेसिंग का। और फिर उसमें से एक क्या है विनोइंग, तो चौथा तरीका क्या है विनोइंग। हाँ, उसको विनोइंग किया जाता है। तो ये क्या होता है, तो इसमें क्या लिख सकते हो, सेपरेशन ऑफ लाइट, लाइट मतलब हल्का, ठीक है, लाइट जो अनवांटेड मटेरियल बाय विंड, ठीक है ना, विंड। तो हवा क्या होता है, नेचुरल भी हवा ले यूज कर सकते हो आप, खुद का पंखा भी कुछ लोग लगा लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे गाँव में देखोगे इतना तेज हवा चलता है गर्मी में कि उसी में उन लोगों को सावन कर लेते हैं कि नहीं, इसको सावन बोलते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक आदमी होता है यहाँ पे, जैसे एक मैन होता है, वो खड़ा हो जाता है, अपने हाथ में वो क्या लिया रहता है, एक बड़ा सा ऐसे वो लिया रहता है जिसमें क्या रहता है, अनाज रहता है, और अनाज को क्या करता है, इसे गिरा देता है, इसमें से अनाज गिरा दे जाता है। अब इधर से तेज क्या चलती रहती है, विंड चलती रहती है। तो जितना ग्रेन होगा तो अनाज क्या होगा, भारी रहेगा, तो यहाँ पे ग्रेन पूरा इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्रेन्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेन्स, जो ग्रेन्स यहाँ पे फंस जाएंगे। अब यहाँ से जो भूसा होगा या जो हल्का हल्का जो चीज होगा क्या जाएगा, उड़ के इधर उड़ जाएगा, यहाँ पे जो क्या है भूसा रहेगा, डस्ट पार्टिकल है, ये सब क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स। हाँ, बोलो अब है। हाँ बोलिए। हाँ, जो हल्के होते हैं उड़ जाते हैं। हाँ, ते भी नहीं, आप अभी आए हो क्या? हाँ, तो इसलिए मैंने थ्रेसिंग पढ़ाया। तो चलो अभी आप आ रहे हैं देखने के लिए ना, रेगुलर वाला शाम को चलेगा 5 बजे से 8 बजे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो क्या है थ्रेसिंग मतलब, हाँ सीविंग में मैंने बताया जो बनाया जाता है। हाँ, फिर वहाँ पे जो हैंड पिकिंग भी मैंने बताया, ठीक है, और ये सब जनरल बातें हम लोग फूड का ये सब इतना सीखे हैं। तो अभी आगे हम लोग देखो अभी ज़्यादा नहीं बताया गया है, ये सारे तरीके। तो ये तो मान लीजिए हमारा, ये तो हमारा जनरल बात हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, बहुत सारे तरीका होता है। तो पहला हम लोग तरीका पढ़ेंगे, पहला तरीके का आप क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मेथड, ठीक है, मैग्नेटिक मेथड है। आपसे कोई बोला कि, जैसे मान लो आपके पास कोई बोला कि अनाज है, बहुत सारा क्या है, ग्रेन्स है, ज्यादा बहुत सारा ग्रेन्स है, इसमें से ग्रेन है, यहाँ पे क्या है, ग्रेन है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पी के मटर के दाने हैं, ये क्या है, पी मटर के दाने हैं, इतने बहुत सारे ग्रेन है। इसमें क्या हो गया ना, छोटा मोटा कील कहीं से गिर गया है, कील गिर गया है, या आपका स्टेपलर घर में कितना रहता है, इसमें स्टेपलर इसमें चला गया है, छोटा सा स्टेपलर, कील्स, आयरन के फिलिंग्स, क्या होता है, आयरन फिलिंग्स हो सकता है, आयरन फिलिंग्स या कील हो सकती हैं, कील हो सकती हैं, होता है कि नहीं, कील्स होती है ना, हाँ, या नट बोल्ट हो सकते हैं। तो आपको मान लीजिए इसे मिल गया, आप पता नहीं चल रहा है, तो इसको कैसे तरीके से वो करते हैं, इसमें से मैग्नेट लाएंगे और मैग्नेट को यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से वापस आ जाएगा, जितना मैग्नेट से जितना अट्रैक्टिव रहेंगे, जितना आयरन रहेगा, निकल रहेगा, नट बोल्ट सारे जो रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेट में चिपक जाएंगे, और बाकी ये सब क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो समझ गए ना, तो इसके लिए क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक,
नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या है, जो लोग मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे चावल का दाना है और आयरन का कील है, तो अब जो चावल के दाना है उसको मैग्नेट थोड़ी अट्रैक्ट कर पाएगा कि नहीं, चावल को दाना को तो मैग्नेट में चिपकेगा नहीं, और जो ये कील होगी मैग्नेट में क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या ये है, लाइम वाटर है, क्या है, लाइम वाटर है, जैसे चूना वाला है, चूना वाला जो पानी है, लाइम वाटर आप देखे हो ना, चूना वाला पानी है, उसमें क्या कर दोगे आप, इसमें क्या कर दोगे, कोई कागुलेटिंग एजेंट कोई पास कर दो, जैसे मान लो CO2 आप पास कर दोगे ना, CO2 गैस इसमें से पास कर दो, इसमें एक पाइप लगा दो, मुंह से अपना फूंक मार दो CO2, तो क्या हो जाएगा, जितना लाइम वाटर है ना, और क्या हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कार्बोनेट क्या हो जाएगा, मुंह से मारेंगे तो ऑक्सीजन क्यों निकलेगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन निकलेगा ना, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्योंकि हम लोग अंदर से जब सांस हम लोग एक्सहेल करते हैं तो क्या निकलता है उसमें, मोस्टली क्या रहता है उसका, तो ऑक्सीजन तो ऑब्जॉर्ब हो गया रहता है, तो मोस्टली उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होता है, तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और ये वाला जो इसमें लाइम वाटर है उसमें जो कार्बोनेट है वो सब क्या हो जाएगा, कार्बोनेट में फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो इसका उतना तरीका नहीं है, जैसे कॉगुलेशन का वो भी एक तरीका है, आप एक देखे हो कि नहीं, एक देखे हो अंडा, हाँ एक, तो क्या होता है उसमें, जैसे देखो अभी ऐसे कच्चा रहता है तो क्या होता है, अंदर उसके क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, इधर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म रहता है कि नहीं, क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, अब उसको आप हीट कर देते हो, बॉयल कर देते हो, तो क्या हो जाता है, लिक्विड वाला क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में जो रहता है क्या होता है, कॉगुलेट हो जाता है, सॉलिड हो जाता है कि नहीं, हाँ। और फिर इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है सेडिमेंटेशन, तीसरा क्या चीज है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, तो ये वाला फेमस है, सेडिमेंटेशन फेमस है। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है ना, कि कोई जैसे मान लो लिक्विड रहता है उसमें कुछ मिक्सअप हो जाता है, जैसे अभी क्या हो जाता है, जैसे सैंड और क्या है, वाटर है, वाटर है या आपका वाटर है और सैंड पार्टिकल है इसमें, ये सैंड पार्टिकल है, पानी में क्या पड़ गए हैं, सैंड पार्टिकल है, तो ये पूरा आपका वाटर है, तो पूरा वाटर है और उसमें जो छोटे छोटे हैं क्या है, सैंड पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल, तो आप बहुत पानी ना पूरा क्या है, पानी पूरा स्थिर नहीं है, पूरा पानी अब कहीं से हिल गया है, पूरा मतलब पूरा रैंडम है। तो उसके बाद क्या करते हैं, पानी को थोड़े देर आप क्या कर दोगे, मिक्स किए हो और थोड़ी देर इसको एकदम शांत रख दोगे, शांत रख दोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम शांति से रख दोगे, स्थिर रख दोगे, तो जितना सैंड पार्टिकल हो जाएगा थोड़ी देर, आफ्टर फ्यू टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर फ्यू टाइम्स या आफ्टर फ्यू आवर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, अलंकृता बताओ, अब ऐसे ही कंटेनर रहेगा, वो सेम कंटेनर रहेगा, यहाँ पे सैंड पार्टिकल जो पार्टिकल्स होंगे क्या हो जाएंगे, सारे बॉटम में चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और पानी वैसे ऊपर आ जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, धीरे से क्या करते हैं, पानी को फिर इसमें से पॉर कर लेंगे, पानी को दूसरे बर्तन में रख लेंगे, बालू ऐसे अंदर ही बैठा रह जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि इसको बैठना है, इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, तो आप समझ गए ना, ये वाला एक तरीका है, हाँ, तो एक सेडिमेंटेशन आपने एक तरीका सीख लिया। अब देखो एक और तरीका क्या है, कि वेपराइजेशन, क्या है, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन है, ये वाला तरीका कब यूज किया जाता है, जब सॉल्युबल्स मिक्सचर, किसको यूज करने के लिए किया जाता है, सॉल्युबल, सॉल्युबल सॉल्यूशन को यूज किया जाता है ना, सॉल्युबल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, जैसे बारह आप एग्जाम्पल देखो, जैसे साल्ट एंड वाटर है, साल्ट प्लस वाटर, दोनों को पानी मिल गया, जैसे देखो शुगर है और प्लस वाटर है, ये मिल गया, शुगर और वाटर ये दोनों क्या हो गया, मिल गया, तो ये दोनों मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता है, अब ना इसको ना चाहे छन्नी से नहीं छान पाओगी, ना कैसे भी कोई, अब पानी में से चीनी को या नमक को अलग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, एकदम पूरा एक सोल्यूशन बन जाता है पूरा। अब क्या करते हैं इसको, अब मान लो अब नमक मिल गया पानी में, अब क्या तरीका है, अब इसको क्या करते हैं, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट कर देंगे, हीट करना स्टार्ट कर देंगे, तो हीट करेंगे सारा पानी क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सारा वेपर क्या हो जाएगा, सारा वेपर्स उड़ जाएंगे, तो
तो वेपर्स पूरा उड़ जाएंगे, तो लास्ट में यहाँ पे हीट करते करते अंत में यहाँ पे क्या बच जाएगा, जितना साल्ट रहेगा उतना पेंदी में बच जाएगा, सारा पानी तो उड़ ही जाएगा, साल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। आप लोग वो करते हो ना, आप साल्ट देखे हो ना, आप साल्ट खाते हो ना, कहाँ से साल्ट बचता है पता है आपको, ओशियन से किनारे साल्ट बनता है, हाँ समुद्र से आता है। तो कैसे साल्ट बनता है आप देखो, जैसे ये बड़ा क्या होता है, समुद्र होता है कि नहीं, ये ओशियन है आपका, ओशियन है बहुत लंबा से दूर में रहता है। तो ओशियन के क्या होता है, पानी कभी कभी देखते हो ना किनारे पे ऐसे पानी अंदर तक आता है कि नहीं, तो फिर वापस जाता है। यहाँ पे क्या बने होते हैं, बांध बने होते हैं, तो पानी इसमें जब अंदर चला जाएगा ना, तो बांध से फिर पानी को बैरियर लगा के रोक देंगे, पानी फिर वापस नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब इस पानी पे क्या पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सनलाइट। तो एक दो महीना ऐसे ही रहेगा तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, जैसे खेत में पानी सूख जाता है कि नहीं, सूख जाता है, सूख जाता है ना, ये भी पानी पूरा सनलाइट से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, सूख जाएगा, और ये साल्ट यहाँ पे जमीन पे पूरा बैठ जाएगा, फिर यहाँ पे पानी फिर खोलेंगे, फिर आएगा, फिर उड़ के पानी उड़ जाएगा, साल्ट यहाँ पे बैठते बैठते बैठ जाएगा। तो ज्यादातर जो ओशियन में जो साल्ट होता है, तो ज्यादा यहाँ पे साल्ट बैठ जाएगा तो क्या कर देंगे, ये सारे साल्ट को सूखने के बाद इकट्ठा करके और मशीन मिला के इसको क्या कर देंगे, प्यूरिफाई कर देंगे, जो मतलब मिट्टी है बालू है उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, और साल्ट को अलग कर देंगे और फिर पैकेट में करके क्या करेंगे, बाजार में बिक जाएगा, उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिक्स करके, समझ रहे हो ना, ऐसे साल्ट बनता है। तो ये वाला पीडीएफ आप लोग को हम अपलोड कर दे रहे हैं। फिल्ट्रेशन वाला तरीका है, जो सेडिमेंटेशन से नहीं हो पाता है, फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो फिल्ट्रेशन वाला तरीका में क्या होता है, फिल्ट्रेशन वाले तरीके में क्या किया जाता है, जैसे देखो एक आप चाय फिल्टर करते हैं कि नहीं, चाय छानने का यूज करते हो ना, तो वाला तरीका है। नहीं तो वाटर फिल्टर आप देखे हो ना, घरे में सबके पास वाटर फिल्टर होगा ना, सबके यहाँ वाटर फिल्टर, तो वो क्या होता है, वाटर फिल्टर होता है, तो उसमें क्या लगा होता है, फिल्टर पेपर लगा होता है। तो जैसे देखो कोई अगर मटेरियल है जिसमें मिक्स हो गया है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो फिल्टर करने के लिए क्या किया जाता है, फिल्टर पेपर यूज करते हैं, फिल्टर पेपर होता है। अब फिल्टर पेपर तो उससे पावर करोगे तो सारा जो मटेरियल रहेगा ऊपर फंस जाएगा और जो वाटर है आपका पास के नीचे चला जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। तो जो सेडिमेंटेशन, देखो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल बैठ जाते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन जो पार्टिकल जो बैठ नहीं पाते हैं उनको अलग करने के लिए क्या यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ तो अब क्या इसके बाद आप लोग को सीखना है, अब इसमें सीखना है एक दो क्वेश्चन है, देखो और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, विच मेथड इज यूज टू, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट सेपरेट salt from salt water solution, ऑप्शन रहेगा चार ऑप्शन रहेगा, रहेगा सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन, दूसरा ऑप्शन रहेगा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन रहेगा हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग, और चौथा ऑप्शन रहेगा इवापोरेशन। हाँ तो इसमें से कौन सा सही होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो इसमें इवापोरेशन, हाँ हाँ तो इसमें इवापोरेशन सही है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए, ठीक है। अब दूसरा इसमें एक देखो, हाँ If Aniket lost his iron locket in water, ठीक है, in water tub. इन वाटर टब और इन रिवर कर लो,
इन इन रिवर। तो विच मेथड ही विल इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट टू सर्च सर्च। इसमें पहला क्या है, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन। दूसरा मेथड क्या है, इवापोरेशन इवापोरेशन। तीसरा मेथड क्या है इसमें, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेथड। तो बताओ कौन सा यूज करेगा इसमें से, मैग्नेटिक मेथड यूज करेगा क्योंकि नदी को पूरा फिल्टर नहीं कर सकता है, नदी को पूरा इवापोरेट नहीं कर सकता है। तो नदी को छानने तो चले नहीं जाओगे, इसमें मैग्नेटिक मेथड को यूज करोगे। हाँ, अब एक और सवाल देखिए। योर मम रिमूव रिमूव स्मॉल स्मॉल सैंड पार्टिकल्स पार्टिकल्स फ्रॉम राइस। दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉन एज। जैसे ऑप्शन क्या क्या रहेगा, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग। तीसरा ऑप्शन रहेगा इवापोरेशन इवापोरेशन। ऐसे ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें, हैंड। हाँ, और इसमें से हैंड पिकिंग सही है। ठीक, अब एक और सवाल देखिए, एक और सवाल देखो। इन लेबोरेटरी ट्री प्योर हंड्रेड परसेंट प्योर प्योर वाटर इज ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ। हाँ बोलिए, रुक जाइए। बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। दूसरा है इसमें डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन। तीसरा है इसमें सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन। इतना में ही बताइए इसमें कौन सा सही। नहीं, 100% प्योर है तो क्या यूज किया जाएगा, डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन। अभी बाजार में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बाजार में जो मिलता है क्या वो डिस्टिल्ड वाटर लिखा रहता है कि नहीं उस पे। हाँ, डिस्टिलेशन। क्यों, वो कैसे निकाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें थोड़ा भी, जैसे मान लो ना फिल्टर होता है ना, जो फिल्ट्रेशन में जो सॉल्युबल जो है, जैसे मान लो पानी में नमक मिल गया, पानी में नमक मिल गया है बहुत ज्यादा, कहीं कहीं के ऐसा नहीं पानी होता है जो नमकीन, कहीं का पानी होता है, कहीं का पानी मीठा होता है। तो जैसे समुद्र में क्या है, समुद्र में बहुत सारे, ओशियन में क्या है, ओशियन में बहुत ज्यादा क्या है, साल्ट है कि नहीं, पानी में साल्ट घुला हुआ है कि नहीं, नमकीन पानी। एक बात बताओ, जो समुद्र का पानी फिल्टर करके पी जाओगे, नहीं भी पाओगे। क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन से 100% प्योर नहीं, 100% क्या हो सकता है, प्योरीफाई नहीं होगा। साल्ट जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्ट्रेशन से नहीं बाहर आती हैं, जो इनसॉल्युबल हैं वही फिल्ट्रेशन से बाहर आती हैं कि नहीं। जैसे मान लो पानी में बालू मिला हुआ है तो क्या कर दोगे आप, फिल्टर कर दोगे तो निकल जाएगा कि नहीं। पानी में बालू मिला हुआ तो आप क्या कर दोगे, फिल्टर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बालू बाहर आ जाएगा कि नहीं। लेकिन अभी पानी में नमक मिला हुआ है तो फिल्टर कर दोगे तो नमक बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा ना। 100% प्योर वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो अब बता देते हैं आप लोगों को डिस्टिलेशन कैसे होता है। तो डिस्टिलेशन के लिए क्या होता है ना, जैसे देखो एक शीशे का ऐसे बड़ा सा एक रहता है बर्तन रहता है ऐसे, तो
नीचे से इसको रहता है और ऊपर ऐसे पतला सा पाइप का ऐसे छेद रहता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पानी आने का एक वो रहता है, पानी आने का वो पाइप लगा रहता है, इधर से पानी आता है इसमें, और इधर से एक छोटा सा इसमें ना होल रहता है, यहाँ पे एक पाइप लगा होता है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे छेद रहता है इसमें इस तरह से, और यहाँ पे एक रख दिया जाता है, यहाँ पे कंटेनर रख दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या रख दिया जाता है, यहाँ पे बर्नर रख दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आग मतलब इसको हीट किया जाता है, तो इसमें से पानी आएगा ना, तो पानी आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा पानी रहेगा। जब गर्म होगा तो पानी क्या होगा, गर्म होगा तो भाप बन के उड़ेगा कि नहीं, भाप बन के उड़ेगा। बाकी सब चीजें जैसे मान लो अभी पानी में नमक मिला रहेगा, सेंड मिला रहेगा, तो वो सब चीजें जल्दी नहीं उड़ती हैं, क्योंकि क्या होती हैं, भारी होती हैं, जल्दी वेपराइजेशन उनका नहीं होता है। तो यहाँ पे अब वो यहीं पे नीचे बैठे रहेंगे, पानी उड़ के ऐसे क्या जाएगा इसमें, वाटर वेपर यहाँ पे जाएगा, वाटर वेपर, तो वाटर वेपर उड़ के जाएगा। अब ऐसे वाटर वेपर यहाँ पे उड़ के आ जाएगा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आते आते ठंडा हो गया रहेगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ड्रॉप वाइज क्या हो जाएगा, ड्रॉप वाइज क्या होगा, पानी गिरता रहेगा इसमें ड्रॉप वाइज। तो आप ऐसे जाओगे तो लैब में आप करोगे देखोगे तो ड्रॉप वाइज पानी गिरते गिरते पूरा बहुत यहाँ पे मतलब टाइम लगता है इसमें, बहुत ज्यादा इसमें आपको फ्यूल लगाना पड़ेगा हीटिंग के लिए, गैस बर्नर ये सब लगाने पड़ेंगे, तो पूरा ये टब पूरा आपका पानी में भर जाएगा। अब जितना कि यहाँ पे क्या आ जाएगा वाटर, ये जो ये वाला वाटर रहेगा क्या होता है, 100% प्योर होता है, क्या होता है, 100% प्योर होता है, इसमें कुछ भी नहीं मिला होता है, समझ रहे हो ना। अब है हाँ, तो ये वाला तरीका है यहाँ पे। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके की डिस्टिलेशन भी एक तरह का क्या होता है, इवेपोरेशन ही है कि नहीं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ये वाला जो फ्लास्क है इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क, हाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। तरुण नहीं आ रहा है क्या आजकल, क्यों, हाँ उसको ये सब चीजें नहीं सीखना है, चलो कोई बात नहीं, आप सीख रही हो ना, तो सीख गए ना। हाँ चलो, जिसको जिसको जाने वाले को कौन रोक पाया, आज से कोई रोक पाया है, जाने वाले को तो भगवान भी नहीं रोक पाते हैं। हाँ एक क्या होता है, डिकेंटेशन होता है, एक और तरीका है बता दे रहे हैं, भूल गए थे आप लोगों को बताने के लिए, क्या होता है, डिकेंटेशन होता है, डिकेंटेशन होता है। तो डिकेंटेशन कुछ नहीं है, जैसे देखो सेडिमेंटेशन हो जाता है ना, मैंने बताया था ना सेडिमेंटेशन होता है, तो क्या होते हैं बड़े बड़े जो पार्टिकल है क्या होते हैं, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन इम्प्लीमेंटेड, डिक्यूमेंटेशन इज इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड और डन आफ्टर सेडिमेंटेशन, आफ्टर सेडिमेंटेशन। अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है सेडिमेंटेशन के बाद, एक ऐसे होता है जैसे देखो यहाँ पे आपको मिल गया है, यहाँ पे कंकड़ मिल गया है पानी में, क्या मिल गया है कंकड़, ठीक है, तो पानी में कंकड़ है, यहाँ पे मिल गया है, थोड़ा बालू है, थोड़ा देर इसको क्या किए, थोड़ा देर आप स्टेबल रहने की है ना, आफ्टर जैसे मान लो आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे तक एकदम शांत रहने दिए, तो क्या हो जाएगा पूरा यहाँ पे जो नीचे हो जाएगा पूरा ये कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाएगा कि नहीं पानी में, पानी ऊपर एकदम इधर, तो अब शांत हो गया है, तो अब इस पानी को इस बर्तन में से हटा के दूसरे बर्तन में रखना है ना, रखना, तो फिर इसको हिला दोगे, हिला दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मिक्स हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं, आराम आराम से धीरे से ऊपर से, ऊपर से इसको पार कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ढार देते हैं धीरे से एकदम आसानी से, हिलाते नहीं है थोड़ा भी, एकदम अच्छे से पकड़ के धीरे धीरे आस्ते आस्ते एकदम उसको दूसरे बर्तन में दूसरे कंटेनर में रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं। तो उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन में क्या लिख सकते हो आप, डिकेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पॉरिंग लिक्विड लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स किसको बोलेंगे, जो यहाँ पे बैठ गए हैं, जो बैठ गए हैं नीचे, क्या है ये, सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं।
इनको बिना हिलाए हुए, इनको बिना हिलाए डुलाए क्या करना है, पानी को ऊपर से ऊपर ढार लेना है, तो क्या होता है? हाँ बोलिए। समुद्र को पानी इस तरीके से सही किया जा सकता है ना, इस वाले तरीके से गर्म करके डिस्टिलेशन किया जा सकता है ना, समुद्र वाले पानी का डिस्टिलेशन कर दोगे, डिस्टिलेशन कर दोगे तो एकदम प्योर 100% प्योर वाटर मिल जाएगा आपको। नहीं लेकिन हम लोग को डिस्टिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। हम लोग कैसा वाटर पीते हैं? हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं। कि पानी साफ रहता है, साथ में उसमें क्या रहता है, मिनरल्स मिले होते हैं, जैसे आयरन जिंक ये सब मिला होता है उसमें। तो बाजार में जो डिब्बा मिलता है उसमें क्या लिखा रहता है, मिनरल वाटर रहता है। एकोगार्ड का चाहे जो भी पानी आता है, बिस्लेरी का बॉटल आता है, तो कैसा पानी होता है, डिस्टिल्ड भी रहता है लेकिन क्या रहता है, डिस्टिल्ड नहीं रहता है, क्या रहता है, मिनरल वाटर रहता है। समझ रहे हो ना आप? डिस्टिलेशन करने में पानी से ज्यादा पैसा लग जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ पे जो आग लगा के जो इसको हीट करोगे, इसका गैस जलने के लिए पैसा लगेगा कि नहीं, बताओ कार्तिक। कार्तिक, यहाँ पे जो गैस आप हीट करोगे, तो यहाँ पे जो गैस बर्नर जलाओगे, तो गैस पैसे से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो आप बताओ, यहाँ पे आप 10 लीटर पानी को आपको उबाल के उड़ाना है, पूरा एकदम वेपर बनाना है, तो 10 लीटर आपको पानी उबालने में क्या हो जाएगा आपका, कितना मान लो 1-2 लीटर गैस ही आपका नुकसान हो जाएगा। तो 200 रुपये का, 5 रुपये का पानी निकाले और 200 रुपये का गैस निकाल दिए, तो आप कैसे, मतलब ये अच्छा तरीका है कि गलत तरीका है? अच्छा नहीं, फिजिबल तरीका नहीं है, इसको नहीं यूज किया जाता है। जो वो वाला तरीका यूज किया जाता है जहाँ पे सस्ता हो, ठीक है? हाँ नहीं तो समुद्र का पानी को भी यह तरीका है, डिस्टिलेशन किया जा सकता है और उसको बनाया जा सकता है, लेकिन समुद्र का पानी को लेके कौन डिस्टिलेशन करेगा, कौन किसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि गैस पे उसको जलाएगा? तो ये सारे चीजें आप लोग सीख गए हो। हाँ अर्थक्वेक्स जो होते हैं ना, भूकंप क्यों आते हैं, मैंने अलंकृता को बताया हुआ था भूकंप क्यों आते हैं। तो जो अर्थ है ना, जो अपना क्या है, अर्थ है, तो मेजर ज्योग्राफी अर्थ का मैंने 3 लेयर होता है, मैंने बताया हुआ था अलंकृता को, पता है ये सब मैंने पढ़ाया हुआ था। तो अर्थ के क्या होते हैं, 3 लेयर होते हैं। नहीं वो ऊपर वाले के नहीं, नीचे वाले को बोल रहे हैं। तो सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। सबसे अंदर वाले क्या बोलते हैं, कोर। हाँ अब उसके बाद ये दूसरा वाला लेयर आता है, इस वाले लेयर को अब क्या बोलते हैं, अब बोलो, इस वाले को क्या बोलते हैं, मेंटल। इसको क्या बोलते हैं, इसको मेंटल। तो क्या बोलते हैं, इसको मेंटल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। तो आप देखो ना, तो ये जो अर्थ है, तो इसके अंदर अर्थ के नीचे क्या, चलो तो उसमें क्या होता है ना, जो यहाँ पे अर्थ है तो उसके अंदर क्या होती है, प्लेट्स होती हैं। ऐसे अंदर क्या होती है, ऐसे प्लेट होती है, बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, प्लेट होती है। पूरा ऐसे अर्थ में बहुत सारी प्लेट है चारों तरफ से, ठीक है? नीचे हम लोगों के तो प्लेटेड क्या है, तो ये जो नीचे जो अंदर का जो मटेरियल है कैसा है, पूरा गर्म है, कैसा है, हॉट है एकदम, पूरा लिक्विड फॉर्म है। क्या है, हॉट लिक्विड है। अंदर क्या होता है, हॉट लिक्विड होता है। टेम्परेचर अर्थ के नीचे बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा है। अर्थ के सेंटर पे कितना टेम्परेचर है जी, बताओ अभिषेक? टेम्परेचर इन कोर कितना है, इन कोर में टेम्परेचर है अबाउट कितना है, 5,000। हाँ 5,000 से 6,000 के है, सेल्सियस है। नहीं तो 5-6 हज़ार डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा, या 5-6 हज़ार डिग्री जो सेल्सियस का टेम्परेचर होती है, इसमें तो लोहा वहा कुछ भी रहेगा, पत्थर भी पिघल जाएगा, पिघल जाएगा कि नहीं। हाँ यहाँ पर लिक्विड रहते हैं ना, हाँ तो ये वाली जो प्लेट है, इस लिक्विड पे क्या करती है, तैरती रहती है। क्या करती है, इस लिक्विड पे इनका मूवमेंट होता है, तैरती है। तो अब जैसे देखो आप, क्या होगा, अब एक प्लेट इधर से है, एक प्लेट इधर से तैरते हुए, इधर मूवमेंट करते हुए इधर से एक प्लेट जा रही है, और एक प्लेट क्या हो रहा है, एक प्लेट इधर से आ रही है। तो एक प्लेट इधर से मूवमेंट करते हुए आ रही है, तो
तो दो अब ऐसे आ गई वापस में, क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में टकरा जाएंगी, टकरा जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट ऐसे ऊपर से ऐसे जा रही है और एक प्लेट इसके ठीक ऐसे नीचे से आ रही है, तो ये दोनों को क्या हो जाएगा, एक दोनों को ऐसे रगड़ते हुए इधर चली गई है, इधर चली गई, दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों आपस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो गया, बहुत ज्यादा रगड़ा गई, एक दूसरे में टकरा गई। जब ये टकराएंगी, इतने बड़ी बड़ी प्लेट हैंगी, तो क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर का जो अर्थ का जो सर्फेस है पूरा क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, हिलने लगता है, तो क्या का जो उसको क्या बोलते हैं, उसको भूकंप आ जाता है ना, भूकंप आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, भूकंप आ जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, ये प्लेट क्या हो गई, एकदम आमने सामने टकरा गई, तो टकराने के बाद क्या होती है, ये भी टकराई, ये भी टकराएगी, बहुत स्पीड में आ रही है, तो क्या हो जाएंगी, ऐसे उठ गई ये दोनों, ये भी ऊपर उठ गई और ये भी ऐसे प्लेट ऐसे ये भी ऊपर उठ गई, समझ रहे हैं ना, ऐसे दोनों ऊपर उठ गई, तो ऊपर उठ जाएंगे तो क्या बना देंगी, माउंटेन्स बन जाएगा, माउंटेन्स बन जाएगा। तो जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय माउंटेन ना, वो ऐसे ही ना, पुराने बहुत टाइम में जब अभी इंसान नहीं थे उस टाइम पहले क्या हुआ है, ये बहुत बड़ी बड़ी दो प्लेट स्पीड में टकराई हुई है और टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ गई है, तो ऊपर उठ गई है तो क्या बन गया है, उतना ऊंचा पर्वत बन गया है, समझ गया ना। अब टकराने के बाद ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही उठेंगी, अगर नीचे के साइड में ऐसे दब गई, जैसे मान लो इधर से एक प्लेट आ रही है, एक इधर से प्लेट आ रही है और एक इधर से प्लेट आ रही है स्पीड में, तो दोनों आई और आपस में टकरा गई, अब टकराने के बाद क्या ऐसे टेढ़ी होके ऐसे क्या हो गई ना, नीचे की साइड में ऐसे दब गई, नीचे की साइड में ऐसे धस गया पूरा मिट्टी, ऐसे टकरा के नीचे साइड में वो हो गया, तो नीचे साइड में जो दब जाएंगी तो उधर से फिर बारिश होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें वाटर फिल हो जाएगा कि नहीं, ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर लेक्स भी बन सकती है, क्या बन जाएगी, पानी का क्या बनेगी, लेक, तो लेक क्या होता है, ओशियन क्या होता है, रिवर क्या होता है, ये सारे मैंने बताया हुआ है। तो आप समझ रहे हो ना आदित्य, चलो वो नहीं है क्या, आदित्य अनिकेत तुम समझ रहे हो ना, हाँ, तो लेक भी बन सकती है ऐसे, तो ये प्लेट टकराने की वजह से ये भूकंप आता है। तो भूकंप को जो मेजर करने के लिए कि भूकंप कितना तेज है, तो क्या सिस्मोग्राफ पे यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ होता है, तो सिस्मोग्राफ से इसको मेजर किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ कैसा होता है देखो बता रहे, सिस्मोग्राफ ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसे स्टैंड लगा होता है, सिस्मोग्राफ का ऐसे एक स्टैंड लगा होता है और यहाँ पे ऐसे एक वो रहता है, इसका एक एंगल रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लगा होता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, एक ना ऐसे पेंसिल लगी होती है, यहाँ पे क्या होती है, ये पेंसिल लगी होती है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होती है, पेंसिल होती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, एक पेपर ऐसे ना वाइट ऐसे पेपर यहाँ पे बिछाया गया रहता है। अब देखो ये जमीन पे रखा गया है, जमीन पे क्या होता है, रखा गया है, अब ऐसे लगा गया है ये वाला, और यहाँ पे एक वाइट पेपर है यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, अब ये हिलने लगेगा, भूकंप लगे तो क्या हो जाएगा, हिलने लगेगा, हिलेगा कि नहीं, हिलेगा, तो हिलेगा पेन यहाँ पे हिलेगी कि नहीं हिलेगी, हिलेगी ना, हिलेगी तो अभी कॉपी पे पेन कैसे चल जाएगी, ये जो सफेद बना है उस पे ऐसे 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 चल जाएगी कि नहीं, टेढ़ा सो जा। तो अब जब चलेगी तो कितना, जैसे मान लो कोई, अब देखो एक जगह पेन चली है, ऐसे ऐसे पेन चली, एक जगह ऐसे ऐसे पेन चली, एक जगह ऐसे ऐसे पेन चल गई, एक जगह ऐसे ऐसे पेन चली, तो बताओ सबसे तेज भूकंप कहाँ है, कौन सा सबसे तेज वाला भूकंप है, ये वाला जो, क्योंकि ये लंबा लंबा ऐसे चला हुआ है, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा भूकंप है ये क्या है, इससे दूसरे नंबर पे ज्यादा है, तीसरे नंबर पे ये वाला कम है, एकदम अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, भूकंप नहीं है, सीधा है। हाँ, जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप वाला देश बोलते हैं उसको, वहां पे हमेशा भूकंप, हाँ, तो वोल्कानोज क्या होते हैं, आप देखो मैंने अभी बता दे रहा हूँ, अर्थक्वेक्स हो गया तो वोल्कानोज है, इसको क्या बोलते हैं, इनको ज्वालामुखी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं इनको, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। आप लोग ये बताओ ये लोग कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनता है, ज्वालामुखी कैसे बन जाता है, ज्वालामुखी कैसे बनता है, अभी मैंने बताया ना कि ये क्या है, अर्थ है। अब है देखो, अच्छा नहीं बन पाया, तो ये मान लो ये क्या है, आपका अर्थ है, ये अर्थ है आपका, तो अंदर मैंने बताया कि अर्थ के अंदर क्या है,
और के अंदर क्या है यहाँ पे, पूरा पिघला लिक्विड है कि नहीं? क्या है? लिक्विड है, लिक्विड है। और ऊपर का जो लेयर है, जो मेंटल क्रस्ट है, इधर रॉक्स है, पत्थर, ये सब थोड़ा क्या है, हार्ड है। तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इधर से इसको छेद करके लिक्विड क्या हो जाता है, बाहर निकलने लगता है। ऐसे धीरे धीरे छेद करके अपने प्रेशर के हिसाब से क्या हो जाएगा, लिक्विड बाहर निकलने लगता है। तो बाहर निकलने लगता है तो ये बहुत अब गर्म क्या होता है, गर्म बहुत लिक्विड रहेगा कि नहीं, पूरा आयरन जितना मटेरियल पत्थर सारा पिघला हुआ निकलने लगेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा ना तो फैलने लगेगा, पिघल कैसे ये क्या बन जाएगा, ये ज्वालामुखी बन जाएगा, वोल्कानो, ये पूरा इस आसपास क्षेत्र में पूरा इधर फैलने लगेगा। अब क्या बनाएगा, बहुत ज्यादा इसमें से धुआं निकलेगा, क्या निकलेगा, फ्यूम निकलेगा। फिर लिक्विड मटेरियल निकलेगा, लिक्विड मटेरियल निकलेगा, और कैसा होगा जो लिक्विड मटेरियल निकलेगा, हार्ट एकदम रहेगा, एकदम गर्म लिक्विड मटेरियल निकलेगा। तो ज्वालामुखी बहुत खतरनाक है, जैसे मान लो इधर ज्वालामुखी फट गया, निकल गया, तब इधर कोई इंसान रहेगा, जानवर रहेगा, या किसी का खेत फसल हुई है, तो पूरा ऐसे लिक्विड ऐसे बाढ़ जैसा आ जाएगा, पूरा फैलने लगेगा, धुआं निकलेगा। तो कभी कभी ज्वालामुखी फट जाता है ना, तो दो दो तीन तीन महीने तक एकदम पूरा आसमान क्या हो जाता है, एकदम पॉल्यूशन फैला देता है, पूरा एकदम आसमान काला काला हो जाएगा, पूरा बादल इतना दूर तक। जैसे देखो ना, आपका ईंट वाला भट्टा देखे हो ना, अब है तो उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है कि नहीं? हाँ, तो उसमें से देखो, वो उससे बहुत ज्यादा बहुत स्पीड में से धुआं निकलेगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा धुआं पूरा ऐसे पॉल्यूशन फैला देगा, जिधर ज्वालामुखी फटेगा पूरा धुआं धुआं कर देगा, और लिक्विड जो होता है लिक्विड पूरा फैल जाएगा। तो इतना गर्म रहेगा, जो जानवर जाएंगे लिक्विड में तुरंत मर जाएंगे, इंसान के ऊपर पड़ जाएगा, इंसान मर जाएगा। तो क्या होते हैं ज्वालामुखी तीन टाइप के होते हैं। तो जिन लोगों में ना, अब देख, ज्वालामुखी दुनिया में तीन टाइप के हैं। ज्वालामुखी कितने टाइप के हैं, वोल्केनो कितने टाइप के हैं? हाँ, ज्वालामुखी कितने हैं, तीन टाइप के हैं। तो पहला क्या है, एक्टिव वोल्केनो। तो अभी जो एक्टिव क्या होते हैं, एक्टिव जो है अभी फिलहाल में क्या है, एक्टिव है, उनमें से अभी आज भी धुआं गैस लिक्विड सब निकल रहा है नहीं। अब उसके बाद कैसे होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, पैसिव है। इन मतलब इन लोगों के पुराने टाइम में एक बार क्या थे, एक्टिव थे, लेकिन ये कैसे हो गए हैं, अब पैसिव हो गए हैं, अब इनमें से कुछ नहीं निकलता है नहीं। कि तीसरे क्या है, एकदम सुसुप्त, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटिंक्ट है, एकदम एक्सटिंक्ट है। मतलब अब उन लोग पे, अब इन लोग जो पैसिव है ना, इनमें हो सकता है कि इसमें एक बार दोबारा एक्टिव हो जाए। और एक जो एक्सटिंक्ट है, जैसे पहले हम लोग के इधर इंडिया में बहुत सारे एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में भी है, एक्टिव भी, अभी अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी है, पैसिव भी है और एक्सटिंक्ट भी है। तो जैसे मान लो ये पहले जमाने में थे, एकदम ये खत्म हो गए हैं ज्वालामुखी, अब पता नहीं चलता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी भी था, ठीक है। तो कभी कभी ज्वालामुखी फट जाता है, तो मान लो एक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद पैसिव हो गया है, तो ऐसे जमीन में से मान लो ज्वालामुखी फटा है, वैसे यहाँ पे छेद हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा, इतना दूर से छेद हुआ रहेगा कि नहीं, यहाँ पे निकला हुआ रहेगा। अब एकदम क्या हो गया, पूरा शांत हो गया, तो पूरा शांत हो गया, तो बारिश होगी तो इसमें पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? भर जाएगा। तो पानी भर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेक भी बन जाएगा, क्या बन, झील बन सकती है। तो जो वॉल्कानो है, जो यहाँ पे पैसिव हो जाते हैं, एक्सटेंड कर जाते हैं, तो इनका जो गड्ढा रहता है उसमें पानी फिल के क्या हो जाता है, लेक भी बन सकता है। हाँ, तो कैसा हो जाएगा, वो लेक भी बन सकता है, समझ गया ना? हाँ, पानी जाएगा तो धीरे धीरे, पानी जाते जाते पूरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लावा जितना रहेगा मिट्टी हो जाएगा। हाँ, इसने बताया कि ज्वालामुखी में से जो निकलता है लिक्विड, जो व्हाइट मटेरियल होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लावा, ये लावा बोलते हैं या मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। तो मैग्मा जो क्या होती है, मोल्टेन रॉक होती है, यानी क्या बोलते हैं, मैग्मा क्या होता है, मोल्टेन रॉक्स। जब रॉक्स जब पिघल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। हाँ, तो यही सब निकलता है वॉल्केनोज में। तो वॉल्केनो समझ गए ना? आप ये बोला थे। हाँ बोल। हाँ, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। हाँ, और उसको जो इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने को, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। हाँ बताओ, किस देश में सबसे ज्वालामुखी है, बताओ, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, बताओ।
नहीं, इसका देख के आप लोग को बता देंगे, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, किस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, ये वाला सवाल नहीं आएगा आप लोगों को, ये क्योंकि याद करने वाला सवाल है और ऐसे बार बार थोड़े आता है ऐसा। इसको रोज रोज बोलता है सुनामी पढ़ना है, सुनामी में क्या पढ़ोगे, आओ देखो सुनामी लाते हैं अभी, आओ तो सुनामी का स्पेलिंग पहले बताओ, सुनामी का स्पेलिंग आता है क्या होता है? हाँ तो पहले क्या करना है, सुनामी पढ़ने से पहले सुनामी का स्पेलिंग सब लोग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग आता है सुनामी का लिखने को इंग्लिश वाला सब्जेक्ट में, ठीक है। हाँ, तो सुनामी इसमें, तो सुनामी कुछ नहीं होता है, सुनामी क्या होता है, समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में, पानी, कभी कभी सुनामी आ जाता है ना, पूरा क्या हो जाता है, सुनामी लहर आ जाती है, पूरा पूरा के सिटी में पूरा पानी भर जाता है, नहीं तो उसको सुनामी बोलते हैं। तो इसमें क्या पढ़ाना है जी, सुनामी में क्या पढ़ना है बताओ अभी से। होती है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओशियन है, ये क्या है, ओशियन है, रुको, ओशियन है इधर, ऐसा ओशियन है यहाँ पे, इधर ओशियन का इधर किनारा है, और इधर से किनारे की इधर क्या हो गया, यहाँ पे एक सिटी बसी हुई है। सिटी, यहाँ पे एक सिटी है। तो क्या होता है, अब ये वाला जो पानी रहेगा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, कभी कभी इसमें समुद्र में लहर आता है ना, आता है कि नहीं, समुद्र में लहर चलती है ना, कभी कभी लहर इतना ज्यादा उठ जाएगी कि पानी पूरा जो कि पूरा शहर में पूरा तेजी के साथ पूरा फील हो जाएगा। और दीवार रहेगा, दीवार तोड़ देगी, घर भसा देगी, पूरा लोगों को बहा देगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सुनामी बोलते हैं, इसी को सुनामी बोलते हैं, हाँ इसी को सुनामी बोलते हैं। तो और सुनामी कुछ और नया चीज नहीं है, यही सुनामी है। तो आप डरो नहीं, हमारे आपके यहाँ कभी सुनामी नहीं आएगी, ठीक है। सुनामी कहाँ आएगी, मुंबई में आ सकते हैं, जो समुद्र के किनारे है। हाँ, तो हम लोग के साइड कभी सुनामी नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग समुद्र के किनारे, हमारा घर नहीं है, हम लोग क्या है, बीच में है। तो अब क्लास खत्म करेंगे, सब लोग समझ गए ना ये बातें।